वीडियो उस महान संत के बारे में है जो इसलिए चमत्कार करते थे ताकि लोग ईश्वर पर विश्वास कर सके, भरोसा कर सके। एक बार फिर मेरे हाथ में ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी है जिसे महान सन्यासी परमहंस योगानंद जी ने लिखी है और जो बेस्ट सेलर बुक्स में से एक है। इसके पांचवें अध्याय में ये घटना है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं नई और विलक्षण घटना को जानते हैं और इससे क्या सीख मिलती है यह भी जानते हैं। ये घटना तब की है जब महान सन्यासी परमहंस योगानंद जी ने संन्यास नहीं लिया था और उनके मन में ईश्वर भक्ति कूट कूट की भरी हुई थी और वो भक्ति में डूबे रहते थे। तो एक बार वो कोलकाता के काली घाट के मंदिर में गए। वहां एक उच्च कोट के साधु से मुलाकात हुई, एक घुमंदू साधु से बहुत अच्छी बातचीत हुई। तो माँ काली के दर्शन के बाद वो काली घाट मंदिर से बाहर निकले तो उनको एक पुराना परिचित मिल गया जो बहुत ही बातूनी था और इतनी बातें करता था बकर बकर की कोई भी उब जाएगा। तो किसी तरह परमहंस योगानंद जी ने वो उसके साथ कुछ दूर वो चले, उसकी बातों को सुना और बातें करता रहा बकर 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 कर। थोड़ी दूर तक जब गया तो अचानक वो रुका और उसको कोई काम याद आ के चला गया। फिर दौड़ते हुए वापस आया, उसने कहा कि एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। सामने वाले मकान में गंध बाबा रहते हैं, बहुत ही उच्च कोट के हैं और असाधारण, तुमको उनके पास जाने से एक अनुभव होगा। यही बात मंदिर में, काली मंदिर में उस घुमंतु साधु ने भी कहा था कि तुमको एक असाधारण अनुभव होगा। परमहंस योगानंद जी उस घर में गए, उन्होंने देखा कि नारंगी रंग का गालीचा बिछा हुआ है, उस पर बहुत से लोग बैठे हैं और सामने एक दाढ़ी मूछ वाले स्थूलकाय सांवले रंग के साधु बैठे हुए हैं। तो पता चला कि वो तिब्बत में एक ऐसे गुरु के शिष्य होकर आए हैं जिस गुरु की आयु 1000 साल से भी ज्यादा है और वहां वो 12 वर्षों तक उस चमत्कारिक साधु से चमत्कारिक शक्तियां लेकर के आए हैं। उनको आमतौर पर लोग गंध बाबा कहते थे, वे उनका असली नाम स्वामी विशुद्धानंद। तो परमहंस जी वहां गए और बातचीत हुई उनसे। परमहंस योगानंद जी ने गंध बाबा से पूछा कि ये शक्तियां आप क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्यों त्वचा से गंध निकालते हैं या नकली फूलों से गंध निकालते हैं। तो गंध बाबा ने कहा कि ये ईश्वर की शक्तियों का प्रदर्शन है ताकि लोग ईश्वर पर विश्वास कर सके, भरोसा कर सके। परमहंस योगानंद जी ने कहा कि क्या संसार में चमत्कार नहीं हो रहे हैं यूं ही कि ये ईश्वर का भरोसा के लिए हम उनकी शक्तियों को दिखाएं। उन्होंने कहा कि हो रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें भी ईश्वर की शक्तियों के बारे में लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि ईश्वर की शक्तियां क्या है, ईश्वर क्या कर सकते हैं। उनकी दो चमत्कारिक जो उन्होंने चमत्कार किए उनके बारे में इस वीडियो में है, मैं बताऊंगा। पहला चमत्कार कि उन्होंने कहा कि दार्शनिक महाशय उनसे तर्क किया ना कि आपने ये शक्तियां क्यों सीखी, किसने? गंध बाबा ने कहा, दार्शनिक महाशय तुमने मेरे मन को प्रसन्न किया, अब अपने दाहिने हाथ आगे बढ़ा। तो परमहंस जी ने लिखा है कि मैं गंध बाबा से कई गज दूर बैठा था और मेरे आसपास कोई व्यक्ति भी नहीं था जो मेरा शरीर स्पर्श कर सके। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस योगी यानी गंध बाबा ने उस मेरे हाथ को छुआ तक नहीं। और तो गंध बाबा ने पूछा कौन सी सुगंध चाहिए, तो परमहंस जी ने कहा कि गुलाब, तथास्तु, गंध बाबा ने कहा। और परमहंस जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उनकी हथेली के बीच से गुलाब की तेज गंध निकलने लगी। तो उन्होंने पासी फूलदानी थी उसमें से एक नकली फूल लगे हुए थे उसमें एक सफेद रंग के नकली फूल को उठाया और कहा कि क्या इस फूल में चमेली की गंध आ सकती है। तो गंध बाबा ने कहा तथास्तु। तो सच में चमेली की गंध और तीव्र चमेली की गंध, तेज गंध में चमेली की आ गई। दूसरी घटना उनके बारे में परमहंस योगानंद जी के ही एक मित्र अलकानंद जी ने बताया। अलकानंद ने कहा कि बर्दवान, पश्चिम बंगाल में बर्दवान में
गंध बाबा के घर में एक उत्सव था, उसमें ये अलकानंद जी भी गए हुए थे। तो अलकानंद ने कहा कि उनके बारे में, यानी गंध बाबा के बारे में ख्यात थी कि वे शून्य में से कुछ भी उत्पन्न कर सकते थे, शून्य से हवा से कुछ भी पैदा कर सकते थे। तो मैंने हंसते हुए कहा कि मुझे संतरा चाहिए। वो संतरा का मौसम नहीं था, लेकिन हम लोगों के पत्तल में, ये अलकानंद ने बताया कि उनके पंक्ति में जितने लोग पत्थर पर बैठे हुए थे, सब में जो पूरियां परोसी गई थी, उस वो पूरियां फूल गई और उसमें छीला हुआ संतरा आ गया। और बहुत सहम करके अलकानंद ने वो संतरा खाना शुरू किया और पता चला कि वो संतरा बहुत ही स्वादिष्ट है। परमन जी ने लिखा है कि बाद में कई वर्षों बाद जब मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, साक्षात्कार हुआ, तो उसके बल पर मैं जान पाया कि बाबा ने जो चमत्कार किया उसका रहस्य क्या है। तो उसमें ये कि जो प्राण शक्ति है हमारी, लाइफ फोर्स, उन प्राण कणिकाओं में जो स्पंदन है, तो एनर्जी है, उसके साथ समरस हो करके बाहर कुछ भी घटित कर देते थे। तो वो उनमें इतनी यौगिक शक्ति आ गई थी कि वो ये चमत्कार कर सकते थे। वो कुछ भी हवा से पैदा कर देना या कुछ भी खाने की वस्तु ले आ जाना, कोई भी गंध अचानक आपके त्वचा से में पैदा कर देना या किसी नकली फूल में पैदा कर देना। नमस्कार।